में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी अरसी मसाले से अपने अंदाज में। ये सब्जी बनाने के लिए हम कमल ककड़ी लिए हैं 500 ग्राम। इसको कमल ककड़ी भी कहा जाता है, भसीड़ी भी कहा जाता है, कमल बम्बू भी कहा जाता है, चार नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। अब इसको हम छील लें। पहले देखिए ऐसे छीलना है, देखिए सारी स्टिक हमने छील ली है। पहले से हम इसको धुल कर साफ कर ली थी और उसको हम अक्सर टोटी के नीचे धुल लेते हैं, ऐसे करके टोटी के नीचे लगाकर, क्योंकि ये जो इसमें जाली बना है उसे पानी से इससे क्रास हो जाता है, तो अंदर से भी साफ हो जाता है। वैसे चार छह पानी धुल लेना चाहिए क्योंकि वो अंदर रहता है पानी में। अब इसको हम कट कर लें ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे टुकड़े में इसको कट करना है। देखिए ऐसे हम सब स्टिक, सारे स्टिक को हम काट लिए हैं, पीछे के फेंक दे रहे हैं। अब इसको हम दो चार पानी और धुलेंगे। चार छह पानी पहले भी धुली थी, फोर्स में भी करी थी, ऐसे करके धुल ली थी। अब हम चार पांच पानी और धुल कर तब इसको हम बॉईल करेंगे। देखिए कमल स्टिक को हम साफ से धुल ली हैं, अब इसको हम बॉईल करेंगे। पानी रखकर 500 ग्राम इस स्टिक में दो गिलास पानी डाले हैं। अब इसको हम कुकर बंद कर देंगे। अब देखिए ये मेरा स्टिक जो है कमल स्टिक वो बॉईल हो रहा है। अब हम मसाले में बता दें क्या क्या लेना है। देखिए कमल स्टिक मेरा बॉईल हो रहा है, वो 6 सीटी देगा भी। अब हम मसाले को तैयार कर लें। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ना है, लहसुन मिर्चा पड़ना है। ये सब्जी नहीं, इसको कहा जाता है कचालू, जैसे आलू में भुजा भूका मसाला पड़ता है, इस कचालू में ये अलसी पड़ता है। अलसी मतलब जैसे कि तीसी इसको कहा जाता है। तो इसको हम भूनेंगे। पहले कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब इसको हम भूनेंगे। और भूनना है तो ऐसे भूनना है, इसको ढाक कर ऐसे करके, नहीं तो वो चटकता है क्या। देखिए अरसी, देखिए ऐसे आवाज आ रहा है, कड़क रहा है, इसके लिए ऐसे ढाक कर इसको करना है ऐसे करके। नहीं ये देखिए कैसे कड़क रहा है यार, देखिए ये इसका संकेत है कि जब ये हो गया, होने वाला है। जब ये कड़कने लगता है तो समझिए तैयार हो जाता है। देखिए हो गया मेरा, देखिए अलसी मेरा भुन गया है। अब इसको जो ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस लेंगे। इसके बाद में इसको भी मिर्चा और लहसुन भी पीस लेंगे। देखिए 6 सीटी हो गया है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम ये मसाला को ग्राइंड कर लें। देखिए पहले हम अरसी को ग्राइंड कर लेंगे, इसलिए कि जब भीग जाएगा तो ये चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसी को कर लेते हैं। देखिए मसाला मेरा ग्राइंड हो गया है, अब इसको हम प्लेट में खाली कर लें। अब इसी जार में हम लहसुन मिर्चा भी, चार मिर्चा ली हैं और लहसुन ली हैं 8-10 कली। अब इसको हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। और कुछ नहीं पड़ना है, सिर्फ नमक बस, कचालू जैसे रहता है। देखिए लहसुन और मिर्चे का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया। देखिए लहसुन मिर्चा का पेस्ट मेरा तैयार हो गया। देखिए इसको हम बॉयल करने के बाद भी दो पानी धुल ली है, क्योंकि वो हल्का हल्का ब्राउन लग रहा था बॉयल करने से, तो इसको हम दो बार धुल लें। अब हम कढ़ाई को गैस को ऑन कर दें, कढ़ाई को गर्म करें। देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, इसमें हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल रहेगा। देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसको फ्राई करना है। देखिए तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन मिर्चा का पेस्ट और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें नमक भी स्वाद अनुसार।
देखिए इसमें हम फ्राई करने के लिए सब्जी भी डाल देंगे। अब इसको तेज फ्लेम पर हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे। पहले देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। देखिए जो अभी अर्थियम पीसी थी ये पीसी वही है बोलकर। इसको एक दो बार ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे चला दें। चाहे आप चाय से इसको खाएं, चाहे आप रोटी चावल जिससे भी खाएं, वैसे हम चाय से खाते हैं इसको सुबह के टाइम, कचालू जैसे है ना। देखिए मेरा कमल ककड़ी का जो कचालू या सब्जी जो भी कहें वो हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए मेरा कमल ककड़ी का सब्जी बनकर तैयार हो गया।